हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। इसका नाम है डाइबल एच। डाइबल एच के दूसरे जो नाम है, इसको आप बेसिकली सिंपल डाइबल से भी बोल सकते हैं, या डीबा, या जिसे डीबा एच बोलते हैं, राइट। सो ऐसे नाम से आ सकता है। बेसिकली इसकी फुल फॉर्म होती है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, राइट। कैसे? डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड का बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से दिखता है। एल्यूमिनियम जिस पर एक हाइड्रोजन होता है, और जैसे साइड में से क्या कहा, दो आइसोब्यूटाइल के ग्रुप्स जुड़े होंगे, राइट। आइसोब्यूटाइल का ग्रुप क्या है? ये CCC, राइट। सो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसको बहुत बार एग्जाम्स में इस तरह से भी लिखा सकता है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, राइट गाइज। या समटाइम्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। सो नंबर ऑफ वेज हैं जिसमें लिखा जा सकता है। सो हमें मेन समझना क्या है कि ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये तो था इसका एक स्ट्रक्चर। रियलिटी में डाइबल एच डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, जिसमें ये पहला एक जो डाई आइसोब्यूटाइल कुछ इस तरह से हो गया, और दूसरा जो डाइबल एच है कुछ इस तरह से हो गया जिसका स्ट्रक्चर, राइट गाइस। नाउ जो ये दो एच हैं, ये दोनों इस तरह से जुड़े हुए हैं। ये एच इससे जुड़ा हुआ है और ये इससे, राइट गाइस। और इन सबको इसी वजह से, इस स्ट्रक्चर को हम ब्रिज्ड पॉलीमर भी बोलते हैं, राइट। या ब्रिज्ड, इन दिस केस ब्रिज बना हुआ है तो ब्रिज्ड डाइमर। और एक बात और नोट करें, जो इस जब डाइबल एच डाइमर की शेप में एग्जिस्ट करता है, तो जो एल्यूमिनियम है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये टेट्राहेड्रल शेप में एग्जिस्ट करेगा, राइट गाइस। डाइबल एच एक वेरी सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और इसी की वजह से इसकी इंपॉर्टेंस है। डाइबल एच वेरी सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होने के साथ साथ थोड़ा माइल्डर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है ये व्हेन इट कंपेयर्स टू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या इवन NaBH4, राइट गाइस। तो आप इसको याद रखें। नाउ अब इसकी जो हम रिएक्शंस हैं वो देखते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं। जनरली गाइस, जो डाइबल एच है वो एस्टर्स को, या हैलाइड्स को, या नाइट्राइल्स को, COOH यानी एल्कोहल एसिड्स को, जब इनकी सबकी रिएक्शंस होती है डाइबल एच के साथ, तो ये सब के सब इन सब को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी एल्डिहाइड में रिड्यूस कर देते हैं। यही इसकी इंपॉर्टेंस है। क्यों? डाइबल एच जनरली जब यूज होगा और हमें प्रोडक्ट एल्डिहाइड चाहिए होगा, तो आप कोल्ड कंडीशंस यूज करते हैं, राइट। कोल्ड कंडीशन यानी -78 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड समटाइम्स इन केस ऑफ नाइट्राइल्स, आपको कभी कभी हाइड्रोलिसिस की भी जरूरत पड़ सकती है। वो अभी आप जब देखेंगे समझ में आ जाएगा। नाउ -78 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आप मैकेनिक्स से समझेंगे। लेकिन अगर -78 डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं करता, उस केस में गाइज ये होगा। सपोज मैं अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं, बढ़ा के सपोज मैं इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर भी ले आऊं, यानी जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, या इससे ऊपर, तो ये क्या होगा, जो डाइबल एच की जो इंपॉर्टेंस है कि इन सब के कंपाउंड्स को रिड्यूस करके एल्डिहाइड में कर देता है, यानी एल्डिहाइड से फर्दर एल्कोहल्स में ये रिड्यूस नहीं करता, ये जो इंपॉर्टेंस है वो खत्म हो जाती है। मतलब अगर मैं डाइबल एच की जो रिएक्शन अंडर रूम टेम्परेचर पर भी करूंगा, तो ये डाइबल एच
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह बिहेव करता है, और इसकी वजह से आप डाइबलएच रूम यूज करो या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एग्जाम पॉइंट के व्यू से ये जरूरी है। यानी अगर आपने रिएक्शंस देखी डाइबल एच, अगर कोल्ड कंडीशन देखी तो आप एल्डिहाइड पे ही रुक जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बना देंगे, लेकिन अगर आपने रूम टेम्परेचर भी मिला या हाई टेम्परेचर मिला तो आप क्या करेंगे, एल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे। ये इसकी इंपॉर्टेंस है, राइट। इसके साथ साथ कभी कभी जो ये रिएक्शंस कंडीशंस है इनमें कुछ सोलवेंट्स दे दिए जाते हैं, जैसे टोलुइन, राइट, या हेक्जेन, राइट, THF या ईथर, इस टाइप के रिएजेंट दे दिए जा सकते हैं। बेसिकली ये क्या है, नॉन पोलर सोलवेंट्स हैं। इस पे एक मैं वीडियो बना चुका हूँ, सोलवेंट्स को कैसे चुनते हैं। सो आप इन नॉन पोलेंट्स, अगर सोलवेंट दिए हैं तो आप कंफ्यूज मत हो, डाइबल एच के साथ साथ किए, सिर्फ सोलवेंट का काम कर रहे हैं, नथिंग एल्स, राइट गाइस। सो आई होप आपको अब तक ये समझ में आ रहा होगा। नाउ अब हम देखते हैं कि जो डाइबल एच है, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कंपेयर करूँ तो अंतर क्या है, क्यों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी एक एल्यूमिनियम से का जो कंपाउंड है, और डाइबल एच भी एक एल्यूमिनियम का कंपाउंड है, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम, राइट। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जो स्ट्रक्चर है ये है कुछ, लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज और AlH4 ओवरऑल इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज बेसिकली एल्यूमिनियम पे है, इस टाइप का कुछ इस टाइप का रिएक्शन है, राइट। नाउ अब होता क्या है, ये क्योंकि एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होगा तो ये क्या करता है, एक हाइड्राइड डोनेट कर देता है, यानी HAlH+ और साथ में एक हाइड्राइड आयन डोनेट कर दिया, इस डोनेट करता है, और यही जो हाइड्राइड है ये सारी रिएक्शंस प्रोसीड करता है। समझ में आया गाइज, इसका मतलब हाइड्राइड जब ये डोनेट कर रहा है सो ये एक न्यूक्लियोफिलिक रिडक्शन होता है, राइट। बट ऑन द अदर हैंड जब आप डाइबल एच की तरफ देखते हैं, डाइबल एच एक इलेक्ट्रोफिलिक रिडक्शन होता है। वाई, मैंने आपको बताया था इसमें भी एक्टिव स्पीसी एच नेगेटिव ही होती है। नाउ एच नेगेटिव अगर इसकी रिएक्शन है तो फिर भी ये हाइड्राइड डोनर होने के बावजूद भी इलेक्ट्रोफिलिक रिडक्शन क्यों होता है इसमें, वो बेसिकली गाइस इसलिए है, अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का स्ट्रक्चर देखते हो तो इसमें एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज है और ये एक हाइड्राइड आयन डोनेट करने की कोशिश करता है टू गेट स्टेबल। बट जब आप डाइबल एच का स्ट्रक्चर देखते हो तो कुछ आप इस तरह से होता है। नाउ ये एक ऑलरेडी स्टेबल कंपाउंड है जिसमें एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल होता है और इट एक्ट एज अ लुईस एसिड। लुईस एसिड है इसलिए जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी देखता है, फॉर एग्जाम्पल एक आपका एस्टर, राइट, तो ये अटैक करता है, डोनेट कर देता है इस इलेक्ट्रॉन पेयर को और रिएक्शन आगे प्रोसीड करती है। ये आप कंफ्यूज मत हो, अभी मैं मैकेनिज्म देखूंगा, इसके पहले कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे रिड्यूस करा, कि ट्रिक बताऊंगा बेसिकली, उसके बाद मैकेनिज्म पढ़ूंगा। नाउ गाइज आपको मैं स्ट्रक्चर बता दूं ये हुआ क्या। देखिए एल्यूमिनियम का जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 3s2 3p1 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, यानी इस तरह से 3s2 3p1, ये आपका ग्राउंड स्टेट में। जब आप एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन जो एस ऑर्बिटल का है पी को डोनेट कर देता है, जिससे ये क्या हो जाएगा, इस पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। नाउ जब तीन इसमें जो ये एच है, एक एच और ये दो आइसोब्यूटाइल, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इससे शेयर कर लिया एक एच ने। राव अब देखते हैं, ये तो इसमें जो स्पिन है पूरा हो गया, एक एम्प्टी ऑर्बिटल ये खाली रह जाता है जिसमें टू इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, इसकी वजह यही जो पी ऑर्बिटल है वो ये वाला है, राइट, इसकी वजह से ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, राइट। नाउ लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है इसका मतलब रिएक्शन इनिशिएट इसमें क्या था, न्यूक्लियोफाइल ये प्रोड्यूस कर रहा था और ये रिएक्शन इनिशिएट कर रहा था, इसमें इनिशिएट क्या करेगा, ये इनिशिएट रिएक्शन करेगा, इसमें ये अटैक करता था, इसमें ये अटैक होगा, राइट गाइज, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ओके नाउ
अगर आप फिर से देखें, डाइबल एच का स्ट्रक्चर लार्ज है, ये एक लार्ज स्ट्रक्चर है, बल्की ग्रुप है। इसके लिए कंपेयर टू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाइबल एच की जो रिएक्शंस है वो स्लो होंगी। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन कंपैरेटिवली फास्ट होती है डाइबल एच से। यानी आप कंपेयर कर सकते हैं, जब इसको हाई टेम्परेचर पे यूज़ करेंगे और इसको भी नॉर्मल टेम्परेचर पे यूज़ करेंगे तो रिएक्शन फास्ट ये देगा, इसलिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रिफर किया जाता है। ओके गाइज, आई होप आपको एक समझ में आ रहा होगा। नाउ मैं आपको बताता हूँ गाइज, जब आप रिएक्शंस करेंगे तो किस तरह से प्रोसीड करें। सपोज आपको ये रिएजेंट्स दिए हुए हैं कुछ, राइट। अब आपको बोला है डाइबल एच से रिएक्शन की, राइट। सपोज हेक्सेन एंड -78 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मैं समझ गया कि एल्डिहाइड पे रुक जाएगा। नाउ डाइबल एच एच नेगेटिव आयन डोनेट करेगा, ओवरऑल आप समझ के चलिए रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करेगा, SN रिएक्शन करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2, और ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और ये जो लिविंग ग्रुप है ये निकल जाता है। तो क्या हुआ, मतलब कुल मिला के ये एच जुड़ गया, रिड्यूस हो गया। सिमिलरली इसमें क्या होगा, हाइड्राइड आयन अटैक करेगा, क्यों, इस पे देखिए वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, प्लस पॉजिटिव, यहाँ प्लस नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज प्लस पे अटैक करता है, ये रिमूव हो जाएगा, अगेन ये एच। सिमिलरली जब आप नाइट्राइल का केस देखते हैं, इसमें वर्कअप की जरूरत होती है, वर्कअप मतलब हाइड्रोलिसिस की जरूरत पड़ेगी। यानी डाइबल एच यानी एच नेगेटिव से रिएक्शन करी, अगेन ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ खींच लेता है, यानी प्लस पॉजिटिव प्लस नेगेटिव। अब क्या करेगा, हाइड्राइड आयन अटैक करेगा इस पे और ये बॉन्ड खुल जाएगा, टूट जाएगा। सो RC इस पे एच जुड़ जाता है और डबल बॉन्ड हो जाता है, यहाँ एन एक नेगेटिव चार्ज इधर आ जाता है। अब क्या होगा, अब आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, HOH, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, राइट। एच पॉजिटिव चार्ज है, OH पे नेगेटिव चार्ज है, ओके। अब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव पे जाएगा, OH नेगेटिव पे जाएगा, यानी दो बार हाइड्रोलिसिस होगा, एच एच ओ एच एंड ओ एच, राइट गाइज। अब क्या होगा, RCH दो OH इस पे जुड़ गए, इस पे क्या हुए, NH2 नेगेटिव सॉल्यूशन से एक और एच लेके NH3 बना दे गए। अब क्या होगा, एक कार्बन पर दो OH अनस्टेबल होते हैं, तो इसका मतलब वाटर रिड्यूस कर देगा, -H2O, एंड क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। ये गाइज आई होप आपको ये समझ पा रहे होंगे कि मैंने क्या समझाया आपको, क्या कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ बेसिकली। अब एक दो क्वेश्चन और करता हूँ, फिर इसकी फिर मैकेनिज्म बताऊंगा आपको, ओके। सो अगर आपको मैंने कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, ओके, और इसको कहा है कि डाइबल एच के साथ रिएक्शन करिए मैंने, ओके, एट -78 डिग्री सेंटीग्रेड, अब क्या होगा। ये गाइज बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को यानी साइक्लिक एस्टर्स हैं, साइक्लिक एस्टर्स को आप लेक्टोन्स बोलते हैं, राइट। साइक्लिक एस्टर्स को आप लेक्टोन्स बोलते हैं, मतलब जैसे सपोज ये कितनी रिंग है, अगर मैं इस तरह से बना दूं, सपोज एक ये भी एक लेक्टोन है, इनका नॉर्मल क्लेचर होता है, राइट। सो आप कंफ्यूज मत हो, लेक्टोन जब भी मैं बोलते हैं तो इसका मतलब है साइक्लिक एस्टर्स। सो लेक्टोन को रिड्यूस करते रहते हैं ये लेक्टोल्स में, लेक्टोल अगर आपसे पूछा जाए कोई, राइट, LACTOLS। नाउ जब क्या होगा, अगेन मैं इसको रिड्यूस करूंगा, देखिए गाइस रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे ये पता होना चाहिए एल्डिहाइड पे ही रुक जाता है। एच नेगेटिव अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, राइट, कुछ इस तरह से ओ नेगेटिव ओ एच, अगेन हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस करेगा तो एच ले लेगा, एच लेके क्या होगा, ये कुछ इस तरह से बना देगा, और इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, लैक्टोल्स। आई होप गाइज आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नाउ गाइज अगर मैं ये इसके एक आध को मैं बता दूं, अगर इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता यानी एच नेगेटिव, तो ये क्या होता, एच जो ये आपका स्ट्रक्चर आया ये यहाँ पे रुकता नहीं है, ये अगेन हाइड्राइड आयन फिर से अटैक करता ये वाला इसके केस में, और ये फिर अटैक करके इसको फिर खोल देता और क्या बना देता, एल्कोहल। कैसे, देखिए ओ नेगेटिव, ओके, ये एच इस तरह से, और अगेन क्या करता, हाइड्रोलिसिस होता है इन सबका ओवरऑल, और यहाँ पे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना देता,
तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा गाइज कि क्या हो रहा है। अगेन अगर यहाँ -78 डिग्री सेंटीग्रेड के बजाय मैं रूम टेम्परेचर या फॉर एग्जाम्पल प्लस माइनस के बजाय +78 डिग्री सेंटीग्रेड लेता, तब भी आपका जो फाइनल आंसर आता वो ये वाला ही आता। राइट, सो आई होप गाइज आपको समझ में आ रही होंगी। अब मैं देखता हूं एक और क्वेश्चन। सो इसमें देखें, अगेन आपको देखा कि अब आप इसको क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे। देखिए, सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चन देखें, आप देखें पहले तो रिएजेंट। अब ये दिया है आपका डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, आपने पहचान लिया, यानी डाइबल एच। डाइबल एच की आपको रिएक्शंस पता है। अब आप देखेंगे रिएजेंट्स में क्या दिया गया, एक नाइट्राइल ग्रुप दिया है, एक डबल बॉन्ड, ये कुछ इस टाइप से दिया गया है। लेकिन मुझे पता है कि जो डाइबल एच है वो ना तो किसी डबल बॉन्ड पे, ना ही किसी ट्रिपल बॉन्ड पे, राइट, ना ही किसी RNO2 पे, नाइट्रो ग्रुप पे, ना ही किसी ईथर पे, ना ही किसी नाइट्रोसो पे, ना ही किसी सिंपल हैलाइड पे। याद रखिए गाइज, वो एसाइल हैलाइड था जिस पे आपने रिएक्शन करी थी, राइट, इस पे हो जाते, इस पे नहीं होती, राइट, इन पे रिएक्शंस नहीं करता। तो आपने ये पहचान लिया। अब क्या करेंगे, अब आप ये देखेंगे, अच्छा ये रिएक्शन हुई, अब ये क्या करेगा, इस ग्रुप को रिड्यूस करके RHO में कन्वर्ट कर देगा, मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2, तो ये ग्रुप वैसे रहेगा, C डबल बॉन्ड OH CHO, ये इसमें कन्वर्ट कर दिया। राइट गाइस, सो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। आप ये वाला जो मैंने समझाया है ना, इसको ध्यान रखिएगा, किसी को रिड्यूस नहीं करता। राइट, नाउ इसकी अब देखते हैं हम गाइज मैकेनिज्म। सो मैकेनिज्म होती है, सपोज मैं एक एस्टर लेता हूं, ये एग्जाम्पल है, और एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया, देख ध्यान रहे इस पे एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल होता है। ओके, सो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हो गया। जो ये लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी है, ये एम्प्टी पी ऑर्बिटल होने की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, तो ये लोन पेयर जो एक डोनेट करेगा इस पर जब एक लोन पेयर डोनेट कर देता है, सो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, कैसे, RC डबल बॉन्ड OOET, राइट, अटैक किया एल्यूमिनियम पर, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे हो गया और एक आइसो ब्यूटाइल ट्वाइस यहां पे रख लेता हूं अभी मैं फिलहाल। ओके, एल्यूमिनियम को डोनेट किया, यहां पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन ने दिया तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज। नाउ एक ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पहले ही इस पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड का में ही अपनी तरफ खींचता है और इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यानी एक तरह से इस पे अनस्टेबल है। अब इसको अनस्टेबिलिटी के हटाने के लिए ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने की कोशिश करता है। तो ये होगा कैसे, अब क्या होगा, ये जो बॉन्ड है राइट, ये हाइड्राइड डोनेट करेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम भी नेगेटिव चार्ज को सह नहीं पाएगा, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में बताया था। तो ये हाइड्राइड, ये जो डोनेट किया, इसकी वजह से ये हाइड्राइड डोनर कहलाता है, ये इसने इस पर अटैक किया, ये बॉन्ड खुलता है और ये इसको वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देता है, राइट, वैलेंसी सेटिस्फाई करके ये पॉजिटिव चार्ज को हटा देगा और यहाँ पे एल्यूमिनियम को भी हटा देगा। सो कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, कुछ इस तरह से, ओ एल्यूमिनियम पे यहाँ पे आइसोब्यूटाइल एक ये रहा, एक आइसोब्यूटाइल आपका ये रहा, राइट गाइस, एक OET अगेन यहां पर H, अगे हो गया गाइस। नाउ अब होता क्या है गाइस, अब H2O होगा, या एक्वस वर्कअप बोलते हैं इसे, या हाइड्रोलिसिस, आम भाषा में हाइड्रोलिसिस जब आप करेंगे तो ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये जो पूरे इलेक्ट्रॉन्स है इस पर शिफ्ट हो जाते हैं और ये लीविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा और ये रिमूव हो जाता है। सो RC डबल बॉन्ड OH ये वाला ग्रुप बन जाएगा, राइट, और ये आपका ETOH बना देगा, राइट गाइस। सो इस तरह से आपके जो मैकेनिज्म है वो यूज होगी। इसमें गाइस एक बात और याद रखिए कि जो मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन -78 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो स्टेबल है वो क्यों होती है। अगर आप देखें गाइस, ये जो स्ट्रक्चर बना एल्यूमिनियम ये वाला, इसी स्ट्रक्चर को आप एक, ये एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, कैसे, सी है, सी पर एक बॉन्ड ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो टेट्राहेड्रल शेप बन गई। तो ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है,
ये सिर्फ -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही स्टेबल रहता है, राइट। अगर ये टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। सो इस वजह से कोल्ड कंडीशन इसमें प्रिफर की जाती है, राइट गाइज। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा गाइज, CWH में कभी कभी कन्फ्यूजिंग है, कुछ सोर्सेज में बोला है कि डाइबल एच इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, किसी में नहीं दी बोला है। सो आप सही बताऊं तो इसको मान के चले कि ये नहीं करता, लेकिन अगर ऑप्शंस में दिया हुआ है कि कुछ सारे ऑप्शंस में कि किसी ना कुछ रिड्यूस होना ही है, ऑप्शंस पे डिपेंड कर सकता है, लेकिन 50-50 मान के चले इस पर। बस ये इसमें एक पॉइंट रखे, मैंने बहुत सोर्सेज ढूंढे, मुझे सही में क्रेडिबल सोर्स में कहीं भी नहीं मिला, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।